बनी पे तो लाखों निसार होते हैं, लेकिन जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कोई काम में न आया मैया में बिगड़ी, कोई काम में न आया मैया मेरी बिगड़ी में, सबको ही आजमाया सबको ही आजमाया मैया मेरी बिगड़ी। शब्दों को सुनिएगा, आज की दुनिया क्या है। कोई काम में न आया मैया मेरी बिगड़ी में, सबको ही आजमाया मैया मेरी बिगड़ी में। सुबह का बेला है, बस मीठी मीठी तालियों की आवाज माँ के श्री चरणों तक पहुंच जाए। स्वर में एक साथ इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो जान नहीं जाने को वहां भी चला जाता है जी। मजबूर हो के मैंने दर दर फैलाई झोली, मजबूर हो के मैंने दर दर फैलाई झोली, अपमान कर भगाया अपमान कर भगाया मैया मेरी बिगड़ी में। बेगाना हो गया जी मैं, बेगाना हो गया मैं, बेगाना हो गया जी मैं, बेगाना हो गया। किसी कवि ने कहा है कि फूलों के सेज पर सोने वालों, फूलों के सेज पर सोने वालों कब्र में सेज नहीं होते, और इतनी दौलत लेकर कहां जाओगे, क्योंकि कफन में जेब नहीं हो, नहीं होती, नहीं होती। मैं बेगाना हो गया जी मैं, बेगाना हो गया मैं, बेगाना हो गया जी मैं, बेगाना हो गया मैं, बेगाना हो गया जी मैं, बेगाना हो गया मैं, बेगाना हो गया जी मैं, बेगाना हो गया। कोई काम में न आया
कोई काम में ना आया, मैया मेरी बिगड़ी 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 सब बोलिया जमाया सबने मुझे पिलाया, सबने मुझे पिलाया, मैया मेरी बिगड़ी में कोई काम में ना आया, मैया मेरी बिगड़ी मैं बेगाना हो गया जी, मैं बेगाना जब आपका बुरा वक्त आता है तो अपने लोग भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है, माँ बाप बुरा मुँह करते हैं और बहन भी आँख चुराती है, भाई भी बुरा मुँह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, अपने हुए पराए, आए बदनसीबी अपने हुए पराए, गिरते को और गिराया मैया,
बीते को और गिराया मैया मेरी बिगड़ी सबको ही आजमाया मैया मेरी बिगड़ी में जो है मेरी जिंदगी की सच्चाई है। जिंदगी में इतने अनुभव लिया हूं इस उम्र में, लगभग बहुत सारे ऐसे काम किए म्यूजिक फील्ड में, लेकिन सभी जगहों से निराशा मुझे मिली। लेकिन जब से ये दरबार मुझे मिला है, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि आज मेरे जीवन में मेरे हिसाब से किसी चीज़ की कमी नहीं है जब से ये दरबार मुझे मिला है। ये बहुत लोग यहाँ जानते भी हैं, जो हमारे साथ में वो भी जानते हैं कि 2% का आदमी नहीं था विजय सोनी। विजय सोनी को विजय सोनी बनाने वाली ये माता रानी है। और सच कह रहा हूँ, यहाँ बस मांगने का तरीका मैंने जो शुरू में कहा ना, वो होना चाहिए, वो जरूर देती है। और देती जब ऐसे देती है ना, माँ जब देती तो सच में छप्पड़ फाड़ के देती है। मैं अपनी बात करूं, देखिए मेरी आंखें भर आई। ये जो कोरोना काला या काला दिन जिसको कहा जाएगा, ऐसा दिन शायद किसी ने सपनों में भी नहीं देखा होगा। किसने देखा था, किसने सोचा था पूरे लाइफ में कभी ट्रेन बंद हुई थी? जब से रेलगाड़ी शुरू हुई तब से बंद नहीं हुई थी, केवल इस कोरोना काल में बंद हुआ। और हम लोग साक्षी हैं उसके, आने वाले जेनरेशन के लिए एक प्रमाण है। हम लोग एक साक्षी हैं, बताएंगे अपने आने वाले जेनरेशन को, ऐसा भी हुआ था हमारे भारतवर्ष में, अपनी दुनिया में ऐसा हुआ था। ऐसा वक्त आया कि अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई थी। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बड़प्पन है कोई बहुत बड़ी बात है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये प्रूफ कर सकूँ कि ये कुछ भी कर सकती है। बस इसलिए कि मेरे बोलने से, मेरे बकने से अगर आप लोगों के बैठे हुए आप लोगों में किसी एक के दिल में भी मेरे जैसी श्रद्धा और विश्वास माता रानी के लिए आ जाए, तो समझूंगा मेरा यहाँ आना सफल हुआ। आज की रात मैंने अपनी वाइफ से बात की कि किसी से पैसे मांगूंगा तो कोई देगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग खाते पीते हैं, जीते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपके पास पैसे नहीं है। तो उसका बस एक ही उपाय था मेरे पास कि जब तक हमारे पास गाड़ी है, जब तक जेबर है, जब तक मकान है, तब तक किसी से पैसे नहीं मांगूंगा, जब तक ये सब पीक ना जाए। रात में हम लोगों ने फैसला किया, मैं और मेरी पत्नी ने, कि कल ओएल एक्सपर्ट एक सोशल साइड है अपनी पहली गाड़ी बेच दूंगा डालूंगा, तो उसे एक आध साल खा लेंगे हम लोग। बड़ी गाड़ी है तो एक साल तो निकल जाएगा किसी तरह से। एकदम प्योर 100% सच बात कह रहा हूँ। और सुबह ऐसा चमत्कार माता रानी ने किया कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। बस इनको थैंक यू बोलने के लिए मैंने बहुत बड़ा जगराता किया। अभी फिलहाल सारे लोग जानते हैं बहुत बड़ा जगराता मेरी औकात से ज़्यादा था, सबों के सहयोग से हुआ।
बस किस लिए? केवल इनको थैंक यू बोलने के लिए, जो चमत्कार उन्होंने किया। कि कहा जाता छप्पड़ फाड़ के देना कैसे मिलता है ना, मैंने महसूस किया है। इन्होंने दिखा दिया कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, जो इस पर विश्वास करता है उसकी किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं। बस हिम्मत रखिए, आप मनोकामना जरूर पूरी होगी। बेकार बेसहारा लाचार जब हुआ मैं, बेकार बेसहारा लाचार हुआ मैं, बेकार बेसहारा लाचार जब हुआ मैं, बेकार बेसहारा लाचार जब हुआ मैं। तुमने गले लगाया रे मैया, तुमने गले लगाया, इसने गले लगाया मैया मेरी बिगड़ी, गले लगाया मैया मेरी बिगड़ी, तुमने गले लगाया रे मैया, तुमने गले लगाया मैया मेरी बिगड़ी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया। जो जो दीवाने हैं जरा बोलना अपने मुख से, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। दीवान की तो दीवानी हो, अरे इसको रिझाना है ना, इसको रिझाने वाले की कमी है। तो दीवानगी पागल पन ऐसी होनी चाहिए कि इसको लगे कि साला इसके पास मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ये जाएगा कहाँ? अगर इसको मैं नहीं देखूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। इसके सामने ये प्रूफ करना होगा। बोलिए सच्चे दरबार की, सब मिल के गाओ। मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। तुमने गले लगाया हूँ मैया, तुमने गले लगाया मैया, महारानी की। मांगिएगा जरूर सब।